दोस्तों केरला स्टोरी को रिलीज हुए आज एक हफ्ता हो चुका है पर अभी भी ये फिल्म चर्चा में है और हर जगह इस केरला स्टोरी के बारे में डिस्कशन हो रहा है और हर दिन इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इजाफा ही देखने को मिल रहा है और अभी तक करीब 68 करोड़ का कलेक्शन भी कर चुकी है। जहां एक तरफ जनता इसे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है और यूपी एंड एमपी जैसे स्टेट्स में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि जनता सस्ती टिकट में फिल्म देखे और अवेयर हो, वहीं दूसरी तरफ बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। ममता बनर्जी जैसे लीडर इसे अपने स्टेट यानी वेस्ट बंगाल में बैन कर चुके हैं, साथ ही इसे तमिलनाडु में भी बैन कर दिया गया है और उनका कहना है कि ये मूवी में झूठ दिखाया गया है। लोगों का कहना है कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है और उनके खिलाफ भड़काती है एंड इससे स्टेट्स का माहौल खराब हो सकता है। मेरा ओपिनियन यहाँ पर ये है कि जब फिल्म तीन लड़कियों की रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है एंड विद प्रूफ, तो आखिर तकलीफ क्या है? अगर उन लड़कियों को फंसाने वाले किसी रिलीजन के थे तो उसे किसी और रिलीजन को टारगेट करके दिखाना सही होगा या नहीं? दोस्तों लॉजिकली सोचिए कि आज तक कितनी ही फिल्मों में ढोंगी संत और फ्रॉड बाबाओं को दिखाया गया है। अगर सिंघम पीके ओ माई गॉड जैसी फिल्में और आश्रम जैसी वेब सीरीज से सारे बाबा और पुजारी फ्रॉड नहीं होते तो द केरला स्टोरी में दिखाए गए कुछ कट्टर लोग जिन्होंने लड़कियों को फंसा कर ISI भेज दिया तो उससे पूरा रिलीजन कट्टर कैसे हो गया? मूवी के लास्ट में उन पीड़ित लड़कियों के नाम और तस्वीर भी दिखाई गई है और उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू भी दिखाया गया है, तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स इसे प्रोपेगेंडा कैसे बोल सकते हैं? मैं आपको बता दूं द केरला स्टोरी को सेंसर बोर्ड पास कर चुका है, केरला हाई कोर्ट इसे अप्रूव कर चुका है और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बैन करने से मना कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी केरला के CM ने इसे बैन कर दिया। अगर इसी तरह पॉलिटिकल लीडर सिर्फ अपना फायदा देखेंगे और सच को बाहर ही नहीं आने देंगे तो लोग ऐसे ही धर्म के नाम पर ये सब करते रहेंगे। मेरा ओपिनियन यही है कि सच अगर कड़वा भी होता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इमोशनली रिएक्ट ना करते हुए लॉजिकली एंड फैक्चुअली किसी भी इशू को देखना चाहिए। एंड अगर अभी तक आपने केरला स्टोरी को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, छोटे बच्चों को साथ ना ले जाएं, ये उनके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।